हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम आते हैं हमारे पास नया प्रोडक्ट लेके, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। इसको हम जो जनरली हम पियानो भी बोलेंगे। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो देखते हैं हम क्या है इसमें, 54 स्टैंडर्ड एकॉर्डेशन कीज़ है इसमें, बोटामिनंट ट्रीमोलो एंड सिंगल फिंगर शॉर्ट्स हैं इसमें, इंसर्ट है, सिंक्रोनाइजेशन रिकॉर्ड है। तो डिफरेंट 16 काइंड वॉल्यूम है, 32 काइंड स्पीड टाइम कंट्रोल्ड है, और 10 डिफरेंट वॉइस हैं, 10 काइंड्स ऑफ रिदम्स हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें हमारे पास में। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको शो रहा है एक, ये आपके साथ आपको माइक मिल जाएगा छोटा सा, जो वर्जन है 5468 है। तो देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, 6 डेमो कीज़ हैं, 10 टिम्बर्स हैं, 10 रिदम हैं। आप देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ बटन है। चलिए हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है हमें। सो ओपन करने के लिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये हम यहाँ पे माइक मिलेगा लगा हुआ। तो ये छोटा सा माइक है, हम देखते हैं इसको भी। सो मैं इसके इधर से यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर हमें एक चार्जर मिलेगा यहाँ पे, इसको हम ताकि हम इलेक्ट्रिक के थ्रू भी से हम चला सकते हैं। नाउ मैं इसको निकाल लेता हूँ। सो एक QSG मिलेगी यहाँ पे, देख सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड हमें इसकी, इसको साइड कर देता हूँ। सो देख सकते हैं आप, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एक विजुअल लुक आ रहा है। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मेरा ओपन हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन हम यहाँ पे दिया है, 6 डेमो कीज़ दी हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 ये आपको दिए हैं, एंड देन 10 टिम्बर्स यहाँ पे आपके पास। पियानो चाहिए, बास में चाहिए, ऑर्गन में चाहिए, ट्रम्पलेट में, गिटार में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोन चेंज रहेंगी। एंड देन 10 रिदम है, इसके अलावा वॉल्यूम दिया है, मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये आपको दे रखा है पावर का, यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक भी चला सकते हैं इसको। ये पावर यहाँ पे लगाता हूँ उसके अगर, तो यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। ये बाकी ये माइक के लिए दिया है आपको। और मैं अगर पीछे चलता हूँ, पीछे हमारे पास, सो आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको बैटरी के से यहाँ पे दिया हुआ पोर्शन। अब मैं इसके माइक की तरफ चलता हूँ एक बार। सो ये माइक है हमारे पास, हम देखते हैं इसको। तो छोटा सा माइक है बच्चों के लिए, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम बोल सकते हैं। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पहले बैटरीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। पावर तो हम लगा लेंगे, पहले मैं बैटरी इंस्टॉल कर लेता हूँ इसकी। सो यहाँ पे बैटरी इसको मैं डाल देता हूँ। तो इसको हम बंद कर देते हैं बैटरी, सब मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रू बाद में लगा लेंगे। चलिए अब मैं इसको टर्न कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। सो मैंने इसको ऑन कर दिया यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं जैसा कि। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं एक बार। Thank you.
ना एक बार हम माइक देख लेते हैं, माइक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो मैंने माइक लगा दिया है। हेलो, सो यहाँ पर हमने पियानो को इंस्टॉल कर दिया है, माइक मैंने लगा दिया है यहाँ पे हमने, आपने बैटरी से डाल दी है। अब इसको एक बार देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके माइक की आवाज़ भी एक बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे यहाँ पे गाना गा के आराम से पियानो बजा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो और यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉन्ग्स मिल जाएंगे, जैसे मैं ड्रम मिल जाएगा, कोई लम बोर्ड मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स आपको अवेलेबल हैं, आप जो चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्स आपको गिटार मोड मिलेगा यहाँ पे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये बस पियानो था। आई होप मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, एंड जिसमें देख सकते हैं कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। माइक के थ्रू आप बच्चे गाना भी गा सकते हैं, आप सॉन्ग सिंग कर सकते हैं, आप पियानो भी बजा सकते हैं। सो आई होप ये आप सबको भी अच्छा लगाओ। प्लीज़ आप अपने फीडबैक या कमेंट मेरे को फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।